अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी, आज मैं आपके साथ एक न्यू रेमेडी शेयर करूंगी। एलोवेरा के साथ हम एक अच्छा सा सोप तैयार करेंगे। एलोवेरा का साबुन आज हम बनाना आपको सिखाएंगे। किस तरीके से आप एलोवेरा का सोप घर में तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा के फायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रोज़ रोज़ इसका इस्तेमाल करना मुश्किल है। कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन हर रोज़ हम अपने चेहरे को धोते हैं, वॉश करते हैं। एलोवेरा का साबुन बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कोई सा भी ब्रांड का सोप यूज कर सकते हैं। मैं लक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने एलोवेरा को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसकी साइडिंग जो पार्ट्स हैं ये किनारे कट कर लूंगी, इसकी एजेस, और इसका गुदा निकाल लूंगी। तो ये देखे, मैंने कुछ स्किन के साथ कटिंग कर लिया है और कुछ मैंने इसका गूदा निकाल दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मिक्सिंग जार में डालकर ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये देखे, मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको रखते हैं साइड पर। ये मेरे पास लक्स था, मैंने इसको ग्रेट कर लिया अच्छे तरीके से। एक मैं पिंक यूज कर रही हूँ, एक व्हाइट कर रही हूँ। आप कोई सा भी ब्रांड का सोप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको एक पैन में डाल रही हूँ, इसको हम मेल्ट करेंगे। आप चाहे तो माइक्रोवेव या ओवन में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। साबुन मेल्ट स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसमें एलोवेरा का जो मैंने गूदा ब्लेंड कर लिया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको लो टू मीडियम पे हल्की आंच में मैं इसको मेल्ट करूंगी। तो ये देखिए कितना स्मूथ सा ये मेल्ट हो चुका हुआ है। तो ये मैंने इस तरह के मोल्ड ले लिए हैं। मैं अब इसमें मेल्टेड अपना सोप डालूंगी। आपके पास जो भी अवेल हो आप उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ये अवेल थे, मैं इसमें डालूंगी। तो देखें, अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा आया है। चले अब हम इसको डालते हैं जी। ये देखें, मैंने सब में डाल दिया है। अब मैं इसको आधा घंटा फ्रीजर में रखूंगी। आधे घंटे के बाद हम फ्रीजर में से निकालेंगे इसे। तो जी, आधा घंटा गुजर चुका है। तो देखें, हमारे सोप रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं। देखिए कितने आसानी से ये निकल रहे हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी शेप्स हैं। आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। रोज रोज एलोवेरा को हम इस्तेमाल करना कभी भूल जाते हैं, कभी याद नहीं रहता। तो आसानी से अब आप सोप का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, ऑर्गेनिक तरीके से हमने इसको तैयार किया है। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चियां इसका इस्तेमाल जरूर करें ना? अच्छा, खूबसूरत इसकी शेप्स हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आपको ये एलोवेरा सोप बनाने का तरीका, रेमेडी जो थी, आपको पसंद आई होगी। आप भी जरूर उसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।